धमतरी जिले के नेशनल हाईवे 30 ग्राम मरौद स्थित टोल प्लाजा में शनिवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में धमतरी विधायक और सिहावा विधायक सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई की मांग है कि मरौद टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को छूट दिया जाए। इसके साथ ही टोल प्लाजा में कार्यरत बाहरी कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाए। ऐसे में एनएसयूआई का कहना है कि टोल प्लाजा में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही सरकार की टोल प्लाजा लूट नीति से हर कोई परेशान है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। कहना चाहिए कि रूल के हिसाब से 60 किलोमीटर के अंतराल में होने का है, लेकिन नियम विरोध तो पहली चीज ये टोल प्लाजा बनाते हैं। दूसरी बात, CG-05 के जो गाड़ी आती है उनको निशुल्क करने की मांग। यहाँ पर आप देखेंगे 75 से लेके 80% जो कर्मचारी है बाहरी है, और मुझे लगता है बाहर के नहीं है, गुंडे हैं। मैं एक्चुअल में को यहाँ आने के बाद ये समझ आया, हमारा भखारा से जो गाड़ी निकलती है तो इनका वसूली हो नहीं पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से व्यापार चलाना चाह रहे हो नहीं पा रहे, तो ये बाहर से गुंडे ला लिए हैं, गुंडागर्दी करके, दादागिरी करके, चमका डरा के हमारे धमतरी के स्थानीय लोगों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज एनएसवाई द्वारा टोल प्लाजा में विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, लगातार धमतरी जिले से ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर जो टोल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार जनप्रतिनिधियों से, हमारे संगठन के लोगों से, आम छात्रों से, सब लोगों से बदतमीजी पूर्वक दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसके विरोध में आज हम लोग सब एनएसयूआई के साथी और धमतरी जिले के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग हम लोग आए अपनी मांग को लेकर कि दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कम से कम जो 10 से 20 किलोमीटर जो छात्र पढ़ने जाने वाला है या जो व्यापारी है, जो व्यापार के लिए रोज आना जाना करते हैं, उन लोगों को छूट दी जाए। ये दो मांगे हैं हमारी एनएसयूआई के द्वारा, धमतरी जिले के एनएसयूआई के द्वारा। आज टोल प्लाजा में, टोल प्लाजा कर्मचारियों और जो टोल टैक्स जो लगता है उसको लेकर कुछ बातों और अपनी कुछ मांगों के लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उसी सिलसिले में इनकी ये मांगे हैं कि इनके साथ टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों ने बदतमीजी की। दूसरा ये कि जो लोकल धमतरी की गाड़ियां हैं उनको बिना पास के फ्री एक्सेस मिले, ये इनकी मांगे थी। तो टोल के जो अधिकारी हैं एनएसयूआई के, उनसे इन्होंने बात की है, अपना ज्ञापन वगैरह सौंपा है, बातचीत की जा रही है।